हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जावा 8 को अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और उसके पाथ को सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना और यहाँ पे टाइप करना है ZK8 डाउनलोड। तो जावा 8 को हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप सिंपली डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जावा 8 है। यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है विंडोज 86 एंड 64। तो 64 बिट के लिए आपको नीचे वाला करना है। 32 बिट का अगर आपका विंडोज है तो आपको ऊपर वाले डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 64 बिट का है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट लाइसेंस करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड JDK पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ओरकल का अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है ओरकल का। यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे सारे अकाउंट को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं चेक योर ईमेल, आपको ईमेल पे एक कन्फर्मेशन का मेल जाएगा। आपको अपने मेल को ओपन कर लेना है और इसके बाद से इस मेल को कन्फर्म कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। तो अपने मेल को कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको फिर से अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना और यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। हम इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम अपने क्रोम ब्राउजर पर कर लेते हैं। जस्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी करेंगे तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको फिर से कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा अलग से, आप उसको भी क्लिक करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। आप यहाँ से इससे भी इसका भी यूज करके भी आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का भी यूज करके। और यहाँ पे मैंने इसका जो लोकेशन है, डाउनलोड का लोकेशन, में सिंपली हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जितने भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं वो अपने किसी एक न्यू फोल्डर में हम रख लेते हैं। तो मैंने अपने डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नेम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम सारे सॉफ्टवेयर को रखते हैं। तो आप भी ऐसे काम कर सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर आपका सेफ रहेगा, जो कि अगर एक जगह आप रखते हैं तो हम इसके अंदर अब रख लेते हैं। क्लिक ऑन सेव। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आपका .exe फाइल है। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एस पे परमिशन दे देंगे, एस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया था। उससे पहले आपको यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जावा का है कि नहीं। फिलहाल अभी नहीं होगा, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, अपने जो भी मैंने डाउनलोड किया है सेटअप को एस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारा जो जावा का वर्जन है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक ऑन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप इसको रीड भी कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ से हम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे आप लोकेशन कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई ज़्यादा साइज नहीं होता है, तो इस वजह से हम अपने सी ड्राइव में रख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद से हमारा जो जावा है वो यहाँ से इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जावा का जो वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है जब तक ये प्रोसेस सारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे, अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो जावा 8 का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यानी उसके बाद आपको यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जावा हाइफन वर्जन टाइप करना है, ना कि हाइफन एंड हाइफन, आपको डबल वन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जावा टाइप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जावा का पाथ सेट हो गया। उसके बाद से JavaC यहाँ पे करेंगे, यानी कि कंपाइलेशन वाला पार्ट, यानी कि अभी हमारा पाथ सेट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे JavaC मैंने टाइप किया। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का आया। तो पाथ को कैसे सेट करना है, उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले आपको दिस PC या माई कंप्यूटर में जाना है। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे जावा में जाएंगे, यहाँ पे JDK को ओपन कर लेना है सिंपली, जो भी आपने डाउनलोड किया है। इसके बाद इसका जो पाथ है, सिंपली इसके पाथ को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे बिन तक का पाथ आपको नहीं लेना, आपको JDK तक का पाथ आपको यहाँ पे कॉपी करना है।
तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद से आपको सिंपली फिर से आपको CMD पे जाना है, सॉरी यहाँ पे आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद से आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर आ जाना है, इसी के अंदर आपको चेंजिंग करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम लिख देना है java_home, सब कैपिटल में आप लिखिए, और जो मैंने कॉपी किया था उसको आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली पाथ में आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लगाना है परसेंटेज java_home/bin, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं java_home और यहाँ पे आपको फिर से लगा लेना है परसेंटेज एंड इसके बाद से स्लैश एंड बिन, ठीक है। इतना आपको टाइप कर लेना है और यहाँ पे कर लेने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपको सारी चीज़ें केयरफुली फिल करना है। ओके सारी चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे, यानी कि हमारा जो पाथ है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने पाथ जो है अच्छे से सेट किया कि नहीं। आपको सिंपली CMD ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जावा, यहाँ पे आपको java-version टाइप करना है। यहाँ पे मैंने -- डबल लगा दिया, फिर से हम अभी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे जावा टाइप करेंगे, आप देख सकते कुछ इस टाइप का लिख के आ गया। उसके बाद java-c टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इतनी सारी लिख के आ जाएगी, यानी कि आपका जो पाथ है सक्सेसफुली अपने पाथ को सेट कर लिया है। इस तरह से बहुत इजी तरीके से आपको पाथ सेट कर लेना है। वर्जन चेक करना है, java-version लिखेंगे तो यहाँ पर आपका इसका वर्जन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जावा को डाउनलोड, यानी java 8 को डाउनलोड, इंस्टॉल और उसके पाथ को सक्सेसफुली सेटअप कर लेना है। तो होप सो कि आपको सारे स्टेप क्लियर समझ में आ गए होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।